नमस्कार दोस्तों, चैनल D5 हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधू स्वागत करता हूं। सदियों पहले अपने इष्ट देव की आराधना के लिए स्थापित किया गया हर मंदिर अपने आप में अनूठा व रहस्यमयी है, चाहे उस मंदिर का निर्माण हो या फिर मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित प्रतिमाएं। यह सब उस समय की इंजीनियरिंग का कमाल है। मौजूदा समय की साइंस व इंजीनियरिंग आज भी उस अद्भुत निर्माण के समक्ष नतमस्तक है। ऐसे ही केरल में झील पर स्थापित अनंतपुर मंदिर के अजूबे को सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। इस मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित प्रतिमाएं पत्थर या धातु से नहीं बनी बल्कि औषधियों से बनी हुई हैं। इतना ही नहीं, इस मंदिर की रखवाली एक शाकाहारी मगरमच्छ करता है, जो आज भी भक्तों के लिए नहीं बल्कि सुनने वालों के लिए भी कौतूहल का विषय बना हुआ है। रहस्यमय मंदिर में पत्थर की नहीं 70 औषधियों से बनी हैं मूर्तियाँ। केरल में एक झील पर बने अनंतपुर मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां किसी धातु या पत्थर की नहीं हैं, बल्कि यह प्रतिमा 70 से ज़्यादा औषधियों की सामग्री से बनी है। औषधियों से बनी इन मूर्तियों को कादू शर्करा योग के नाम से पुकारा जाता है। चाहे वर्ष 1972 में इन प्रतिमाओं को पंचलोह धातु की मूर्तियों में बदलकर प्राण प्रतिष्ठित किया गया था, परंतु अब फिर इन्हें दोबारा कादू शर्करा योग के रूप में बनाने का प्रयास जारी है। मंदिर की शाकाहारी मगरमच्छ करता है रखवाली। केरल में झील पर स्थापित अनंतपुर मंदिर की विचित्र मान्यताएं हैं। इनमें से प्रमुख तौर से मंदिर की रखवाली एक मगरमच्छ के द्वारा की जाती है। सबसे खास बात यह है कि यह मगरमच्छ पूर्ण तौर से शाकाहारी है, जबकि आम तौर पर मगरमच्छ शाकाहारी नहीं होते। इस मगरमच्छ को बबिया के नाम से पुकारा जाता है। इस मंदिर की यह मान्यता रही है कि जब इस झील में रहने वाले एक मगरमच्छ की मृत्यु होती है तो रहस्यमय ढंग से दूसरा मगरमच्छ प्रकट हो जाता है। यह मंदिर भगवान विष्णु का है। यह मंदिर तिरुवनंतपुरम के अनंत पद्मनाभ स्वामी मंदिर का मूल स्थान है। यहाँ के लोगों का यह विश्वास है कि भगवान विष्णु यहीं आकर स्थापित हुए थे। मान्यता है कि यह मगरमच्छ पूर्ण तौर से शाकाहारी है। भक्तों की ओर से मंदिर में चढ़ाए जाने वाले प्रसाद को पुजारियों की ओर से मगरमच्छ को प्रदान किया जाता है। पुजारी प्रसाद को मगरमच्छ के मुंह में डालते हैं। मगरमच्छ पूरी तरह से शाकाहारी है। वह झील में रहने वाले अन्य जीवों को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाता। कितनी भी ज़्यादा या कम बारिश होने पर झील के पानी का स्तर हमेशा एक समान रहता है। मगरमच्छ अनंतपुर मंदिर की झील में करीब 60 सालों से रह रहा है। इस मगरमच्छ को प्रसाद खिलाने की अनुमति सिर्फ मंदिर प्रबंधन के पुजारियों को ही है। अंग्रेज सिपाही ने गोली मारी, परंतु मगरमच्छ जीवित रहा। कहते हैं कि वर्ष 1945 में एक अंग्रेज सिपाही ने इस मंदिर के तालाब में रहने वाले मगरमच्छ को गोली मारकर मारने की कोशिश की, परंतु मगरमच्छ अविश्वसनीय रूप से अगले दिन फिर से झील में तैरता दिखाई दिया। कुछ दिनों के बाद गोली मारने वाले अंग्रेज सिपाही की सांप के डसने से मौत हो गई। लोगों का मानना है कि इसे सांप के देवता अनंत ने डसा है। मंदिर में दर्शन करने वाले वह भाग्यशाली भक्त होते हैं जिन्हें इस रहस्यमय मगरमच्छ के दर्शन होते हैं। भक्त मंदिर में दर्शन करने के बाद इस झील में रहने वाले इस मगरमच्छ के दर्शन करने के लिए डटे रहते हैं। मंदिर प्रबंधन का मानना है कि यह मगरमच्छ ईश्वर का दूत है, इसी कारण यहाँ पर कभी कोई अनहोनी नहीं होती। सो दोस्तों, यह थी केरल में स्थित अनंतपुर मंदिर से जुड़ी जानकारी, जिससे जुड़ी हर बात अपने आप में एक रहस्य व अजूबा मानी जा सकती है। ऐसी अन्य रहस्यमय मंदिर से जुड़ी जानकारी लेकर फिर आपके रूबरू होंगे। जुड़े रहिए चैनल D5 हिंदी के साथ।